नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राठौड़। हमारे खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं और जानकारी आपको देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी शुभकामनाएं दी। लिखा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजाए पारंपरिक पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह लेकर आए। तो देखिए, पूरा देश आज होली मना रहा है और उसी बीच देश के प्रधानमंत्री की तरफ से भी होली की खास पर्व को लेकर शुभकामनाएं। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया यानी कि एक्स पर पोस्ट कर इसकी शुभकामनाएं व्यक्त की। लिखा, देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। स्नेह और सद्भाव के रंगों से सजा है ये पारंपरिक पर्व और आप सभी के जीवन में इस पर्व के माध्यम से नई ऊर्जा और नया उत्साह, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कर्नाटक सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, पानी की कमी से जूझ रहे राज्य को धन नहीं देने का आरोप। आपको बता दें कि केंद्र से एनडीआरएफ जारी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। राज्य के 236 में से 230 तहसील किए जा चुकी हैं सूखा घोषित। इनमें से 196 को गंभीर रूप से सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, कर्नाटक सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का। कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, पानी की कमी से जूझ रहे राज्य को धन नहीं देने का आरोप लगा है। केंद्र से एनडीआरएफ जारी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। राज्य के 236 में से 230 तहसीलों को सूखा घोषित कर दिया गया है। इनमें से 196 को गंभीर रूप से सूखा प्रभावित घोषित किया गया है। बीवाई राघवेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज। आपको बता दें कि शिवमोगा से मौजूदा सांसद है राघवेंद्र, साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने शिवमोगा से ही मैदान में उतारा है राघवेंद्र को। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के पुत्र है राघवेंद्र। तो बड़ी जानकारी दी थी कि बीवाई राघवेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में ये मामला दर्ज हुआ है। उनपे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का गंभीर आरोप लगा, जिसको लेकर मामले को दर्ज करवाया गया है। शिवमोगा से मौजूदा सांसद है राघवेंद्र, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने शिवमोगा से ही उनको मैदान में उतारा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के बेटे हैं राघवेंद्र और उनके खिलाफ मामले को दर्ज किया गया है आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर। मुख्यमंत्री बजवराज शर्मा आज पहुंची एंटरटेनमेंट पैराडाइज होली स्नेह मिलन समारोह में। मुख्यमंत्री बजवराज शर्मा ने शिरकत की। सांगानेर विधानसभा के 4 मंडलों द्वारा समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीएम बजवराज शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेली। भाजपा पदाधिकारियों से 1-on-1 भी मिले मुख्यमंत्री। पूरे देश भर में होली का पर्व और इसी बीच में सीएम बजवराज शर्मा की बात करें तो आज एंटरटेनमेंट पैराडाइज पहुंची होली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करते हुए नजर आए। सांगानेर विधानसभा के 4 मंडलों द्वारा इस समारोह का आयोजन हुआ था। सीएम बजवराज शर्मा ने यहां पर होली की शुभकामनाएं दी। इसके अलावा कार्यकर्ताओं के साथ फूलों की होली खेलते हुए नजर आए। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि इसी पर्व के बीच में भाजपा के पदाधिकारियों से 1-on-1 भी मिले मुख्यमंत्री बजवराज शर्मा। विक्षोभ होंगे एक्टिव और इससे आएगा मौसम में बदलाव। एक के बाद एक नजर आएगा प्रदेश के विक्षोभ का असर। 26 मार्च को एक्टिव होगा विक्षोभ। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बीकानेर जयपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 29 और 30 मार्च को एक और कमजोर विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा, विक्षोभ का असर नजर आएगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें मौसम से जुड़ी हुई, क्योंकि विक्षोभ जैसे जैसे एक्टिव होंगे मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक के बाद एक नजर आएंगे प्रदेश में विक्षोभ का असर। 26 मार्च की बात करें तो एक्टिव हो जाएगा इस 26 मार्च को विक्षोभ। बीकानेर जयपुर संभाग में कहीं कहीं पर मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश की संभावना यहां पर व्यक्त की है। इसके अलावा 29-30 मार्च को एक और कमजोर विक्षोभ एक्टिव होगा। विक्षोभ का नजर आएगा आशंकित असर, यानी किसका भी हल्का फुल्का असर नजर आएगा। सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन
शनमुगरत्नम का जोधपुर का दौरा, सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन पहुंची मेहरानगढ़ फोर्ट। आपको बता दें कि मेहरानगढ़ फोर्ट को उन्होंने देखा और सिंगापुर के राष्ट्रपति इस फोर्ट को देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आए। मेहरानगढ़ फोर्ट से देखा जोधपुर की ब्लू सिटी का पूरा नजारा। मेहरानगढ़ में सिंगापुर के राष्ट्रपति का केसरिया बालम पधारो हमारे देश की धुन पर भव्य स्वागत हुआ, यानी कि राजस्थानी अंदाज में स्वागत। कल सुबह जोधपुर की ब्लू सिटी में होली का आयोजन होगा, वहां पर वो होली के आयोजन को देखते हुए नजर आएंगे। जोधपुर से कल सड़क मार्ग से जैसलमेर के लिए रवाना होंगे, ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रही हैं। और यहां पर उनका जो स्वागत हुआ है वो राजस्थानी अंदाज में हुआ है। सिंगापुर के राष्ट्रपति है थर्मन शनमुगरत्नम जोधपुर पहुंची हैं, जोधपुर के दौरे पर हैं और इसी बीच में राजस्थानी अंदाज के साथ उनका स्वागत। मेहरानगढ़ फोर्ट उन्होंने देखा, काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आए। और यहाँ से अगर आपको बताएं तो मेहरानगढ़ में सिंगापुर के राष्ट्रपति का केसरिया बालम पधारो हमारे देश की धुन पर स्वागत, और उसके बाद वो सीधा जैसलमेर जाएंगे, सड़क मार्ग से जैसलमेर के लिए होंगे रवाना। पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया बीजेपी में शामिल, बड़ी जानकारी देते हैं। देश में राफेल जेट लाने में अहम भूमिका निभाई थी भदौरिया ने। सितंबर 2021 में वायुसेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे भदौरिया। 30 सितंबर 2019 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक देश की वायुसेना प्रमुख थे भदौरिया। भारत को राफेल जेट दिलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इस बात से कोई भी नहीं नकार सकता। भारत की जिस टीम ने फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदने के लिए बातचीत की थी, उस टीम का नेतृत्व पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया के पास ही था। और अब उनको लेकर ये जानकारी सामने आई है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तो बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रही है। पूर्व वायुसेना प्रमुख रही है आरकेएस भदौरिया और फिलहाल बीजेपी में है, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। देश में राफेल जेट लाने में उनकी अहम भूमिका रही थी। सितंबर 2021 में वायुसेना प्रमुख के पद से वो रिटायर हुए थे। 30 सितंबर 2019 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक देश की वायुसेना प्रमुख थी। भारत को राफेल जेट दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही थी, अहम किरदार उन्होंने निभाया था।